फ्रेंड्स, आज मैंगो मेनिया में मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है आम श्रीखंड, यानी मैंगो श्रीखंड या फिर मैंगो आम्रखंड। ये बहुत ही यमी, क्विक और इजी रेसिपी है और मैंगो के सीज़न में स्पेशली बनाई जाती है और ठंडी ठंडी सर्व की जाती है। ये एक हेल्दी रेसिपी भी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंगो श्रीखंड। इसके लिए मैंने एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर यानी छलनी रखी है, उसके ऊपर सूती कपड़ा मैंने बिछा दिया है और आप चाहें तो किचन क्लॉथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप जितना गाढ़ा दही लिया है, यानी मैंने योगर्ट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घर में बने हुए दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस कपड़े की पोटली बना देंगे, यानी दही को मैंने कपड़े के बीच में ले लिया है और चारों तरफ से कपड़े को लपेट लिया है और कपड़े के जो एक भाग से मैंने एक गांठ मार दी है ताकि ये पोटली सी बन जाए। इस तरीके से आप चाहें तो रबड़ बैंड लगा सकते हैं या फिर धागा बांध सकते हैं और इसे नल पर भी टांग सकते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेनर में ही छोड़ दिया है 2-3 घंटे के लिए ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है दही का वो निकल जाए बाउल के अंदर। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पिंच सा केसर लिया है और इसको हाथों से ही क्रश किया है और यहाँ पर मैंने केसर जो हमने क्रश की थी उसको 2 बड़े चम्मच दूध के अंदर डाल दिया है जो मैंने बाउल के अंदर निकाल के रखा था। हम केसर को एक तरफ रख देंगे ताकि अपना अच्छा सा कलर छोड़ दे। और यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता जो है उनको अच्छे से क्रश करके रखा है प्लेट के अंदर। और यहाँ पर मैंने 4 बड़े आम लिए हैं। ये हापुस आम है, यानी रत्नागिरी आम जो होते हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी आम ले सकते हैं, यानी केसर, राजापुरी, जो आपको स्वाद में अच्छा लगता है। लेकिन आम पका हुआ और मीठा होना चाहिए ताकि हमें एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा कलर कुछ भी नहीं मिलाना पड़े। और अब देखिए, मैंने आम का पतला पतला छिलका निकालना शुरू कर दिया है। मैंने आम को पहले ही धो कर 2 घंटे के लिए पानी में रख दिया था ताकि आम के अंदर जो गर्मी होती है, यानी आम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो वो पानी के अंदर रह जाए और यानी आम की जो गर्माश है वो निकल जाए उसके अंदर। और यहाँ पर मैंने आम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक स्मूथ सा पल्प बना दिया है इसका। इसके अंदर कोई भी गांठें या लम्स नहीं है, तो हमें इसका बिना पानी या बिना दूध डाले ही मैंने इसका पल्प बनाया है। और ये देखिए, मैंने एक पल्प को बाउल में निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने एक आम के छोटे से टुकड़े करके एक बाउल में निकाल के रखे हैं गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर हमने जो दही कपड़े में बांध के रखा था, अब हम उसको देखेंगे कि इसका पानी कितना निकला है 2 घंटे के बाद में। ये देखिए, हमारे दही में से सारा पानी निकल गया है और एकदम से गाढ़ा सा हो गया है। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो हम इसे बाउल में निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर डाला है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो हमने नट्स काट के रखे थे, एकदम क्रश करके रखे थे, वो डाल दिए हैं। और जो मैंगो पल्प हमने बाउल में निकाला था ठंडा करने के लिए, फ्रिज में रखा था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप शुगर डाली है। आप शुगर की मात्रा बाद में बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। यहाँ पर मैंने जो सेफ्रॉन का दूध बनाया था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम विस्कर की मदद से इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गांठ या लम्स नहीं रहे। और इसके बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए, मैंने इसको चम्मच की मदद से इसके अंदर हिला दिया है और हिलाने के बाद देखिए, दही और आम का जो रस है वो मिलने के बाद एकदम से इसका कलर कितना चेंज हो जाता है। और ये इस तरीके का हमारा श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे अभी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और ये देखिए, मैंने हमारा जो श्रीखंड है वो सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। अब मैंने इसको जो मैंगो के कटे हुए टुकड़े थे उससे इसको सजाया है। और चाहे तो आप इन मैंगो के टुकड़ों को श्रीखंड के अंदर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो पिस्ता की कतरन है उससे इसको सजाया है। आप इसको बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन और केसर की पत्तियों से भी सजा सकते हैं। और ये देखिए, हमारा मैंगो श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत ही यमी लग रहा है, तो आप भी बनाइए ये हेल्दी सी रेसिपी जो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा आम्रखंड की रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।